नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। सो दोस्तों, हम आज के क्लास में देखने वाले हैं परचेस ऑर्डर हम किस तरीके से टैली प्राइम में बना सकते हैं, और साथ साथ में हम देखेंगे कि हमने जो भी परचेस ऑर्डर बनाए हैं उसका रिपोर्ट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मानो कि हमने कितने परचेस ऑर्डर हमारे वेंडर्स को दिए हुए हैं, कितना आउटस्टैंडिंग है, और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि अगर हमने मान लो कोई पार्टी को परचेस ऑर्डर दिए है और इसके अगेंस्ट में हमें मटेरियल मिला है और परचेस इनवॉइस मिला है, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो सभी चीजें हम ये क्लास में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक जरूर से बने रहेगा। और अगर दोस्तों आप टैली प्राइम सीखना चाहते हो, माने कि बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी परचेस ऑर्डर हम क्यों बनाते हैं दोस्तों? परचेस ऑर्डर मतलब क्या? परचेस ऑर्डर को हम बोलते हैं शॉर्ट में पीओ। जब हमें कुछ मटेरियल परचेस करना है तो हम हमारे वेंडर को परचेस ऑर्डर बना के देते हैं। उसमें हम मेंशन करते हैं कि ये परचेस ऑर्डर का एक यूनिक नंबर देते हैं। जैसे हम इनवॉइस नंबर देते हैं वैसे ही परचेस ऑर्डर नंबर देते हैं, जैसे कि 001 है, या फिर आपके अकॉर्डिंग आप वो नंबर दे सकते हो। इसके साथ साथ में हम हमारा पूरा एड्रेस देते हैं कि एड्रेस कौन सा है, हमारा जीएसटी नंबर कौन सा है, और साथ साथ में हम उनको डिस्क्रिप्शन भी देंगे कि हमें क्या क्या ऑर्डर देना है उनको, जैसे कि मोबाइल देना है, ईयरफोन्स देने हैं, क्या क्या हमें मंगवाना है, वो सभी चीजें हम लोग हमारे परचेस ऑर्डर में हम मेंशन करेंगे और फिर हम हमारे कस्टमर को देंगे ताकि वो हमें मटेरियल देंगे। परचेस ऑर्डर रिलीज करने के लिए दोस्तों पहले हमें जीएसटी अनेबल करना पड़ेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में ही खड़े रहते हुए यहाँ पे हमें F11 प्रेस करना है। यहाँ पे हम लोग टैक्सेशन के अंडर अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यहाँ पे अगर आपका नो है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करके फिर आपको जीएसटी के रिलेटेड जो भी आपके डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देनी है, और इसके बाद में आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो कंट्रोल ए करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और इसके बाद में एंटर करते हुए ये विंडो को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी अनेबल हो गया है। इसके बाद में हम लोगों को परचेस ऑर्डर को अनेबल करना पड़ेगा। अगर आपका परचेस ऑर्डर आपको वाउचर्स में नहीं दिख रहा है, जैसे कि जैसे मेरा परचेस ऑर्डर है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे F9 जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा परचेस रिसिप्ट नोट एंड परचेस ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं दिख रहा है, अगर डिसेबल है, तो यहाँ पे आपको पहले परचेस ऑर्डर को अनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में ही जाना है और यहाँ पे आपको आना है अल्टर में। अल्टर में आपको करना है वाउचर टाइप और यहाँ पे आपको करना है परचेस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पे एक्टिव दिस वाउचर टाइप यहाँ पे आपको यस करना है अगर आपका नो है तो। इसके बाद में हम ये वाउचर को करते हैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आपका जो वाउचर है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे हम वी प्रेस करेंगे और वाउचर्स में आ जाएंगे। मान लो दोस्तों हम परचेस वाउचर में है या फिर कोई दूसरे वाउचर में है और हमें यहाँ पे परचेस ऑर्डर में आना है, तो आपको कंट्रोल F9 प्रेस करके भी यहाँ से आ सकते हो। और यहाँ पे एरो दिख रहा है परचेस के, यहाँ पे अगर आप वहां क्लिक करोगे तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर भी दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी परचेस ऑर्डर में आ सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो हम यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर डालेंगे 001। इसके बाद में यहाँ पे हम डेट डालेंगे। यहाँ पे F2 प्रेस करके डेट चेंज कर सकते हो। तो आज की जो डेट है वो 13 दिसंबर है। इसके बाद में पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी बनाया है केमार्ट करके जो मेरी पार्टी है वो। तो अगर आपने पार्टी नहीं बनाई है दोस्तों तो आप यहां से ही पार्टी बना सकते हो। अल्ट सी प्रेस करके आप यहां से लेजर क्रिएट कर सकते हो और आपकी पार्टी जो है बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी केमार्ट को बनाया है, यहाँ पे ही मैं कंट्रोल एंटर करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है केमार्ट को। यहाँ पे जो केमार्ट है वो मेरा क्रेडिटर है, मुझे उनसे परचेस करना है। इसके बाद में यहाँ पे केमार्ट का एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, उनका स्टेट प्रॉपर आपको यहाँ पे डालना है, जीएसटी नंबर वगैरह डाल के फिर आप ये लेजर को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे मैं अभी कंट्रोल ए करके उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में अभी हम कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद में पार्टी डिटेल्स आएगी, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्टेट वगैरह जो है जीएसटी नंबर सही सही पार्टी का होना चाहिए। इसके बाद में कंट्रोल ए कर देते हैं और यहाँ पे परचेस अकाउंट सिलेक्ट करते हैं। परचेस अकाउंट जो है दोस्तों, कंट्रोल एंटर करके दिखाती हूँ, परचेस अकाउंट के अंडर ग्रुप जो है वो परचेस अकाउंट ही रहेगा। इसके बाद में कंट्रोल ए करके मैं एक्सेप्ट करती हूँ और यहाँ पे हमें एक आइटम बनानी है, जैसे कि
मुझे करना है परचेस, तो मैंने यहाँ पे दो स्टॉक आइटम ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल भी बनाया है। यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके हम देखते हैं हमने मोबाइल के अंदर में क्या क्या सेटिंग्स किए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे मोबाइल बनाया है। इसके बाद में यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जीएसटी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे अगर हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया है, यहाँ पे आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस करना है, और यहाँ पे आपको एचएसएन और एसएससी नंबर जो है वो आपका देना है। यहाँ पे ऑन वैल्यू या फिर ऑन आइटम रेट जो भी आपके अकॉर्डिंग आप जो जिस तरीके से परचेज कर रहे हो वो देना है। टैक्सेबिलिटी जो है वो टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पे आपको रेट डालना है, जैसे मोबाइल का 18% है तो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद में आपको करना है कंट्रोल ए, और यहाँ पे हम लोग बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से आप एक बार स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मोबाइल लिया है, मैं एंटर करूंगी। यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो हमने यहाँ पे ऊपर डाला था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्डर नंबर ले लेगा। इसके बाद में ड्यू ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ड्यू ऑन माने की दोस्तों जो हम लोग परचेस ऑर्डर दे रहे हैं वो 13 दिसंबर को दे रहे हैं, और आपको जो मटेरियल मिलने वाला है वो 10 दिन के बाद मिलने वाला है, मानो कि 23 दिसंबर को मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे 23 डालना है यहाँ पे, और या फिर आपको 10 डेज डालना है तो 10 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिक 10 डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 23 दिसंबर कर लेते हैं। इसके बाद में क्वांटिटी डालनी है, कितने मोबाइल आप परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे मानो कि 5 है। रेट आपको देना है 25,000, ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा। इसके बाद में एंटर करना है। इसके बाद में मैंने दूसरा स्टॉक आइटम बनाया हुआ है ईयरफोन्स है। डी ऑन में भी दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है, हम परचेस ऑर्डर उनको दे रहे हैं 13th को और हमें 10 दिन के बाद मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम करेंगे 23rd दिसंबर। एंटर करते हुए यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे 2। इसके बाद में रेट जो है वो 2000 है और 10,000 ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद में हम यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे, तो जीएसटी दोस्तों सीजीएसटी और SGST यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मेरा जो ये वेंडर है वो लोकल है, मैं यहाँ पे लोकल परचेस कर रही हूँ। अगर मेरा इंटर स्टेट होता, मानो कि यहाँ पे मेरा गुजरात का कंपनी है और मैं परचेस कर रही हूँ महाराष्ट्र से, मानो कि पुणे से या मुंबई से, तो फिर मुझे IGST लगता। अभी मेरा लोकल सेल है तो मुझे यहाँ पे SGST एंड CGST लगेगा। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ SGST CGST, ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद में एंटर करते हुए आपको नरेशन डाल देना है कि आप क्या परचेस कर रहे हो, आप डाल दीजिए। इसके बाद में एंटर करते हुए इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों हमने जो परचेस ऑर्डर बनाया है वो हमें हमारी जो पार्टी है उनको देना है या प्रिंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम कंट्रोल पी करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो परचेस ऑर्डर है वो यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। तो अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो ये फाइल है वो PDF में सेव हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से परचेस ऑर्डर करना है। अभी हम लोग देखेंगे कि परचेस ऑर्डर जो है वो उसका इफेक्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, और परचेस ऑर्डर जितने भी हमने बनाए हैं वो आपको कहाँ पे दिखेगा, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कहाँ पे दिखेगा, वो पूरा हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्कैप करके हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। यहाँ पे आपको प्रेस करना है ई, ई माने कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। इसके बाद में हम आएंगे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, तो यहाँ पे हमें परचेस ऑर्डर रिलेटेड पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। अगर हमें आइटम देखनी है तो हमें यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है। हमें अगर ईयरफोन्स का देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ईयरफोन्स का हमने 5 क्वांटिटी दिया है, रेट यहाँ पे 2000 और वैल्यू उसकी 10,000 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज अ स्टॉक आइटम। अगर आपको पार्टी वाइज देखना है तो आप यहाँ पे लेजर पे जा सकते हो, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने Kmart को कितना परचेज ऑर्डर दिए है। आप Kmart का लेजर ओपन कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो Kmart को आपने कितना कितना परचेस ऑर्डर दिया है और कितनी क्वांटिटी दी है। इसके बाद में हम यहाँ पे एस्केप करते हुए यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे, कितने हमने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो डेट है वो सिलेक्ट ठीक से नहीं की हुई है, तो यहाँ पे हम लोग पीरियड सिलेक्ट करते हैं, तो अल्ट एफ टू करके चेंज पीरियड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड डाल देते हैं, मानो कि 23rd दिसंबर। तो यहाँ पे आपको जो भी आइटम्स वगैरह है आपके परचेस ऑर्डर है वो दिखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, आपका डिस्क्रिप्शन, कितने नोज आपने दिए हैं, क्वांटिटी अमाउंट पूरा यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे 0 डेज दिखा रहा है। हमने 23rd दिसंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया है।
अगर आपने 24 या ऐसे सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे अगर मान लो 24th है डेट आज की, तो 24th दिसंबर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे वन डे हो गया, मानो कि वन डे हो गया है, एक दिन ऊपर चला गया, बट अभी भी हमें ये मटेरियल मिला नहीं है। इसका मतलब इस तरीके से रहता है। इसे हमें परचेस ऑर्डर कितने भी हमने बनाए, ये कितने पार्टी को दिए हैं, वो पूरा यहाँ से आपको दिखेगा। अभी हम लोग एक एंट्री कर लेते हैं कि हमने जो परचेस ऑर्डर दिए थे इसके अगेंस्ट में हमें मटेरियल मिल गया है और हमें पक्का जो बिल रहता है परचेस बिल वो हमें मिला है, तो हम किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम एस्केप करते हुए हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे हम वाउचर्स में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग परचेस के लिए F9 प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग मानो कि सप्लायर से हमें जो इनवॉइस मिला है उसका नंबर है 123, डेट जो है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, मानो कि 14 दिसंबर को ही हमें मिल गया है। इसके बाद में हम यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, पार्टी डिटेल्स हम लोग एंटर एंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, परचेस अकाउंट डालेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे मोबाइल सिलेक्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दिख जाएगा। 001 नंबर का हमने परचेस ऑर्डर दिया था तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। अगर मान लो दोस्तों कि आपने ऑर्डर दिया था 5 रोज का बट आपको कम मिला है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें फुल मिला है, हम लोग एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद में अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में हम लोग करते हैं ईयरफोन्स, ईयरफोन्स का हमने दोस्तों 001 के अगेंस्ट में ही हम डालेंगे। यहाँ पे हमने 5 नोज का ऑर्डर दिया था बट यहाँ पे हमें 3 ही मिले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद में CGST SGST लगा था तो लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा CGST SGST लग गया। इसके बाद में नरेशन डाल देंगे कि बिंग रिसीव्ड मटेरियल फ्रॉम Kmart, और जो भी क्वांटिटी है वो आप नरेशन में डाल दीजिए, नरेशन प्रॉपर डालिए दोस्तों, ताकि आपको कभी भी बिल वेरीफाई करना है तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए ये एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा परचेस एंट्री भी हो गया। अभी हम देखते हैं दोस्तों हमने हमारा जो रिपोर्ट बनाया था परचेस ऑर्डर का वो हमें किस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में ही चले जाएंगे। इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके बाद में हम जाएंगे परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे लेजर्स में। तो मान लो कि हमने Kmart को ऑर्डर दिया था तो यहाँ पे हम लोग Kmart के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पे आपको ईयरफोन्स का दिखेगा 2 नोज पेंडिंग, बिकॉज हमने 5 नोज का दिया था बट यहाँ पे हमें 3 नोज ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 2 जो नोज है वो हमें यहाँ पे पेंडिंग दिखेंगे। इस तरीके से अगर आपको ऑल ऑर्डर्स में देखना है तो भी आप दिख सकते हो। यहाँ पे हम डेट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज यहाँ पे दिखेगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने ऑर्डर दिया था 5 का, अभी भी बैलेंस जो है वो 2 है, हमें ऑलरेडी 3 मिल चुके हैं, अमाउंट आपकी इतनी है, इस तरीके से आपको ये दिखेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल का नहीं दिखेगा बिकॉज आपने परचेस ऑर्डर मोबाइल का दिया था 5 का, वही 5 आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे जो है वो परचेस ऑर्डर जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे उसका ही डिटेल्स आपको दिखेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको परचेस ऑर्डर के रिलेटेड सब नॉलेज हो चुका होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पे भी बहुत सारी अपडेट्स देते हैं। जो टेलीग्राम का अकाउंट है वो 2DiaPatel है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नए हमारे क्लास में, जहाँ पे हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर हम किस तरीके से बना सकते हैं।